तो गाइस फ्री फायर में ऐसा कुछ ना कुछ चीज हमेशा आती रहती है जो काफी अजीबोगरीब चीज होती है और उसे चीज खेलने में या फिर वो चीज को देखने में हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगती है या फिर कभी कभी बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं अजीबोगरीब चीजों में से 17 आपको ऐसे यूनिक चीज दिखाने वाला हूँ जो काफी ज्यादा यूनिक है फ्री फायर में, और वो चीज आता है तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ नया चीज आई है या फिर कुछ अलग हमें फ्री फायर में देखने को मिला है। तो आज का वीडियो होने वाला है टॉप 17 यूनिक थिंग्स ऑफ फ्री फायर जो कि पार्ट नंबर 3 है। अगर इससे पहले पार्ट नंबर 1-2 नहीं देखा है तो उसमें भी मैंने गजब गजब का यूनिक चीज बता रखा है, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको सब्सक्राइब कर लेना गाइस, उसमें मैं लाइव करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको फ्री फायर के रिलेटेड टॉप 17 यूनिक थिंग्स बताते हैं। नंबर 17 गाइस, नंबर 17 पे जो चीज आती है वो है ये जॉम्बी वाला मोड। आपको पता है कि फ्री फायर में अभी के समय ये जॉम्बी मोड चल रहा है जो काफी ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, और हर बार कुछ ना कुछ जब इवेंट आती है या फिर कोई से कोलैबोरेशन होती है या फिर कुछ चीज नया त्यौहार आती है तो उसके रिलेटेड इस जॉम्बी में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलती है। और इस बार हेलोविन इवेंट में चल रहा है तो इस बार जॉम्बी के सर पे हमें हेलोविन का सर भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इसमें कई सारे जॉम्बी भी हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको पता ही होगा अगर आप खेलते होंगे। तो इस तरह का चीजें जो है वो फ्री फायर में काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। नंबर 16 गाइस, नंबर 16 पे जो चीज आती है वो आपको पता है कि अभी के समय इस तरह का हेलोविन में एक मैप में देखने को मिल रहा है जहां पे इसे मारने पे हमें कुछ की मिलती है और बहुत ही सारा लूट देखने को मिलता है। और अगर आप जॉम्बी मोड में खेलोगे तो आपको इसके साथ साथ जॉम्बी भी देखने को मिलेगा जो कि चारों ओर आपको हमला कर रहा होगा और आपको उससे बचना होगा, जो काफी ज्यादा टफ टास्क होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का आपको ये चीज देखने को मिलेगा और ये चीज आपको यहाँ पे बम्बार्डिंग करते रहेगा और उसको आपको मारते रहना है। तो ये काफी ज्यादा यूनिक चीज है जो कि आपको पता है लग ही गया होगा और आप खेलते ही होगे, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो ये सब चीजें जब लाती है फ्री फायर में तो लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगती है क्योंकि ये काफी ज्यादा यूनिक बनाती है फ्री फायर को। तो ये एक यूनिक चीजों में से एक है हमारे फ्री फायर में। नंबर 15 गाइस, नंबर 15 में बात करें तो हमारे फ्री फायर में एक फटल ब्लेड करके मोड आया था जिसमें एक जॉम्बी समुराई देखने को मिलता था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसे बहुत ही ज्यादा मारने पे वो मरता था। और उसमें हमें एक अलग मैप देखने को मिला था जो कि फ्री फायर में आपको कहीं भी उस तरह का मैप देखने को नहीं मिलेगा, और एक तलवार लेके आता था और वो सबको मारता था और हमें भी उसको मारना होता था। और उसको कितना भी हेडशॉट मार लो उसका जो एचपी होता था वो बहुत ही ज्यादा होता था और बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता था जो आसानी से मरने का नाम ही नहीं लेता था। और उसको यहाँ पे देख सकते हो एक तलवार से शक्ति भी आती थी और वो जब शक्ति का यूज करता था तो उसका और भी ताकतवर हो जाता था, कुछ इस तरह से शील्ड बन जाता था, उसके बाद उसे मारना और भी ज्यादा टफ हो जाता था। तो ये सारी चीजें जो है ये फ्री फायर को काफी ज्यादा यूनिक बनाती है और ये चीज हमारे फ्री फायर में एक यूनिक चीज में से एक था जिसका नाम था फैटल मोड। नंबर 14 गाइस, नंबर 14 की बात करें तो हमारे फ्री फायर में एक ब्रिक सिंगर मोड करके आया था जहां पे ग्लू वॉल के जगह इस तरह का ब्रिक दिया जाता था, और शायद अभी भी आपको ये देखने को मिलेगा या फिर कुछ दिनों पहले भी इस तरह का मोड आया था। और ये सारी चीजें जब आती है तो लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि इसमें एक हुक गन जैसा दिया जाता है और इस पे चढ़ के आप दूरों दूरों तक जा सकते हो और काफी ज्यादा लोगों को इंटरटेन कर सकते हो और काफी इंजॉय ले सकते हो। तो ब्रिक सिंगर करके इस तरह एक मोड था जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड में से एक था और लोग इसको काफी खेलते भी थे। ठीक है, तो इस तरह का जब यूनिक यूनिक चीजें आती है तो फ्री फायर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने जाती लगती है लोगों को और इसमें काफी ज्यादा जुड़ते हैं। तो गरना को इस चीज पे काम करना चाहिए कि फ्री फायर में हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक चीजें लाने चाहिए। तो ये भी हमारे एक यूनिक चीजों में से एक था। नंबर 13 गाइस, नंबर 13 की बात करें तो हमारे फ्री फायर में गन आया था सिब्बा मोड करके, सिब्बा गन। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिब्बा गन आया था जो काफी ज्यादा हंसी लगता था, और इसको यहाँ पे एक अकिम्बो मोड करके आया था जहाँ पे इस तरह करके आप डबल ये सिब्बा वाला गन को चला सकते थे। एक मोड में हमें ये चीज देखने को मिला था और वो चीज जब मैप में पड़ा रहता था ना तो ऐसा लगता था कि सिब्बा पेट हो, लेकिन वो सिब्बा पेट नहीं रहता था, वो यहाँ पे सिब्बा गन रहता था। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह सा सिब्बा गन आया था और इसको जब मारते थे ना तो कुत्ता जैसा जो भौंकता है ना उस तरह का आवाज भी आता था। तो ये सारे चीजें जो है ना सच में काफी ज्यादा यूनिक है हमारे फ्री फायर में, और ये अकिम्बो मोड में हमको ये चीज देखने को मिला था सिब्बा गन। ठीक है, नंबर 12 गाइस, नंबर 12 की बात करें तो हमारे फ्री फायर में अकिम्बो मोड करके आया था जैसे कि मैंने अपने पिछले पार्ट में बताया, और उस अकिम्बो पार्ट में सबसे यूनिक चीज ये थी कि आप कोई भी डबल गन लेके चला सकते हो, डबल AWM, डबल M1887, यहाँ पे देख सकते हो एक सिब्बा एक शॉर्ट गन। ठीक है, आपको जो गन मन करे उसको यहाँ पे डबल चला सकते हो, और इस तरह का जब चीज आती है तो लोग इस पे काफी ज्यादा जुड़ जाते हैं और उस मोड को खेलने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिब्बा और एक M1887 है। नंबर 11 गाइस, नंबर 11 की बात करें तो एक जॉम्बी इन्वेजन करके
मोड आया था 2017 में और ये लोगों को दिल के काफी ज्यादा करीब है, क्योंकि पहली बार जॉम्बी मोड देखने को मिला था गेम में। उस तरह का बैटल रॉयल गेम में इस तरह का नया नया चीज देखना लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया था और इस मोड को लोग काफी ज्यादा खेलते थे। और ये चीज था हमारे ग्रेवयार्ड में, बस ग्रेवयार्ड में ही हमें ये भूत वाला देखने को मिलता था, जॉम्बी निकलता था और वहां पे हमें मारना होता था जो बहुत ही सारा जॉम्बी निकलता था। तो ये जो मोड है ना, ये 2017 में हमें देखने को मिला था जॉम्बी इन्वेजन मोड करके, जहां पे बहुत ही सारे एक साथ जॉम्बी आते थे और हमें उसे मारना पड़ता था। वो कब्र से खोद खोद के आते थे और हमें उसे मारना होता था, ठीक है। तो इस मोड का नाम है जॉम्बी इन्वेजन मोड, जो कि 2017 में हमको देखने को मिला था। यूनिक थिंग्स नंबर 10, गाइस इस यूनिक चीज की बात करें तो हमारे फ्री फायर में एक मोड आया था हेलोवीन में, जहां पे आप देख सकते हो इस तरह का स्केयर क्रो देखने को मिलता था लॉबी में, जो काफी ज्यादा यूनिक बनाती थी, काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी लगता था। और इस मोड जो है ना वो नाइट मोड होता था, ये इसका जो लॉबी होता था वो नाइट लॉबी होता था। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेड़ होता था ना एक नारियल का, ये भी यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से गिरा हुआ मिलता था, जो काफी यूनिक बनाती थी फ्री फायर को, ठीक है। तो इस तरह का चीजें जो है वो 2018 में आया था एक लॉबी जिसमें ये सब चीज देखने को मिला था, जहां पे ये सोया हुआ पेड़ भी हमें देखने को मिला था। आप देख सकते हो यहां पे इस तरह का टूटा हुआ पेड़ भी देखने को मिला था और स्केयर क्रो भी देखने को मिला था। साथ ही साथ यहां पे नाइट लॉबी भी थी, तो एक साथ लॉबी में बहुत ही सारा चीजें थी। साथ ही साथ देख सकते हो यहां पे समुंदर भी, तालाब भी था, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। नंबर 9 गाइस, नंबर 9 की बात करें तो हमारा एक नाइट मोड आया था, जहां पे हम इस तरह करके जो ये वाला गाड़ी है ना पानी वाला, उसके साथ हम लैंडिंग करते थे और काफी ज्यादा मजा आता था। और पूरा का पूरा मैप हमें यहाँ पे पूरा का पूरा मैप जो है रात टाइप का देखने को मिलता था, जैसे घोस्ट होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे मूवी शूट होती है बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह का। और आप देख सकते हो इसी तरह का पैरा सूट यहाँ पे आप यूज कर सकते थे। साथ ही साथ इससे यहाँ पे मिसाइल निकलती थी, जो कि यहाँ पे जॉम्बी को मारता था, जो काफी ज्यादा यूनिक बनाता और काफी बेस्ट थिंग आप बोल सकते हो फ्री फायर का। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड मिसाइल रहता था, सामने से भी एक मिसाइल रहता था और हमें एक गाड़ी पे चढ़ के सारे जॉम्बी को मारना होता था और जो बंदे भी रहते थे उसे भी यहाँ पे मारना होता था, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो नाइट मोड था ना वो काफी ज्यादा खतरनाक था, इसमें काले बादल जो थे ना वो काफी ज्यादा डरावने बादल थे। तो ऐसे ऐसे चीजें जो है ना फ्री फायर को काफी ज्यादा यूनिक बनाती है और लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। यूनिक थिंग्स नंबर 8 गाइस, इसमें जो है ना एक ग्लिच आया था, ठीक है। फ्री फायर में ग्लिच आया था, जहां पे सारा का सारा करेक्टर जो ना कुछ इस तरह से ब्लैक कलर का लगता था और कुछ यूनिक कलर दिखता था। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का लॉबी में ग्लिच आया था, जो बहुत समय पहले आया था 2018 के करीब, ठीक है। सारा का सारा लॉबी इसी तरह का दिखता था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे जो भी आप बंडल पहनते या फिर आपका मुंह जो रहता ना वो इस तरह का ब्लैक हो जाता, जो काफी ज्यादा यूनिक लगता था देखने में और लोग इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और काफी ज्यादा लोग इसमें मतलब प्रभावित हुए थे कि ऐसा ऐसा ग्लिच आता है, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे, ठीक है। तो ये भी एक यूनिक थिंग्स में से एक था जो फ्री फायर में 2018 में आया था। यूनिक थिंग्स नंबर 7 गाइस, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज देखने को मिला था, जहां पे कुछ इस तरह से चेयर रहता था और उसमें हम इस तरह का लेट जाते थे और इसमें भी काफी ज्यादा ग्लिच देखने को मिला था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह से छतरी रहता था, जैसे बीच में रहता ना, बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह का दिया गया था, एक चेयर दिया गया था और साथ ही साथ इस तरह का एक कुर्सी दिया गया था बैठने का, जो काफी मस्त लगता था देखने में, ठीक है। तो इस तरह का जो यूनिक चीज है ना चेयर वाला, वो मतलब 2019 के करीब आया था, ठीक है। 2019 में आया था, जहां पे लोग उतरते थे उसी जगह पे और आराम करते थे। मान लो आप बरमुडा मैप में थक गए तो आप इस कुर्सी पे बैठ के आराम कर सकते थे, जो काफी ज्यादा यूनिक था, ठीक है। तो इस तरह का चीजें जो है ना यूनिक काफी बनाती है फ्री फायर। नंबर 6 गाइस, नंबर 6 पे जो यूनिक थिंग्स आता है वो है ये वाला, देख सकते हो यहाँ पे सर्वो, ठीक है। इससे एकदम धुआं निकलता था, जैसे गाड़ी में धुआं नहीं निकलती है जो गाड़ी जल जाता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इस वाले सर्वबोर्ड में धुआं निकलता था और जो काफी ज्यादा मतलब अजीब और गरीब लगता था। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी पे कई सारे बंदे आए हुए हैं और लास्ट जोन में यहाँ कुछ इस तरह से है, जो काफी ज्यादा मतलब मजा दे रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से धुआं निकल रहा है और किस तरह से यहाँ पे आग निकल रहा है ऊपर की तरफ से, जो काफी ज्यादा मजा लगता था, ठीक है। तो इस तरह का जो चीजें है ना वो काफी ज्यादा यूनिक है हमारे फ्री फायर में। नंबर 5 गाइस, नंबर 5 पे जो सबसे यूनिक थिंग्स आता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला उकंग, ठीक है। पहले का जो उकंग का जो स्टाइल होता था घास फूस बनने का ना, आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में 4-5 कुछ इस तरह से पत्थर लगे रहते थे और मतलब घास जो है ना वो काफी ज्यादा यूनिक था, क्योंकि उसमें जो 4-5 ऐसा लगता था जैसे पत्थर वहां पे उग रहे हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज काफी पहले यूनिक था पहले के समय में, लेकिन अभी के समय में उकंग का स्टाइल बदल चुका है, लेकिन पहले के समय में कुछ इस तरह से लगता था जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 4 गाइस, नंबर 4 पे जो यूनिक थिंग्स आता है वो है करेक्टर का, जब ये वाला कटाना लेके दौड़ता था ना ये वाला पराग, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दौड़ता था, जो काफी ज्यादा फनी लगता था देखने में। आप
आप देख सकते हो यहाँ पे अभी के समय यहाँ पे चेंज हो गया है ये दौड़ने वाला स्टाइल, लेकिन पहले के समय आप देख सकते हो कितना फनी लगता था जब आप पराग का स्किन लेके दौड़ते थे ना, पराग मिली वेपन लेके दौड़ते थे तो कुछ इस तरह से लगता था। और ये चीज़ें जो है फ्री फायर को पहले काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती थी। यूनिक थिंग्स नंबर थ्री, गज फ्री फायर में बहुत समय पहले हमारा हेलोविन इवेंट आया था 2018 या 2017 के करीब, वहाँ पर इस तरह का जितना भी पत्थर होता था ना कुछ इस तरह से घोस्ट का चेहरा बना रहता था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये हर एक पत्थरों में रहता था और बहुत सारे पेड़ में भी रहता था, अगर आप उस मैप को खेलोगे तो आपको याद होगा कि कहाँ कहाँ पर इस तरह का घोस्ट का चित्र बना रहता था। और ये सब चीज़ बच्चे को डराती हुई थी और काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी बनाती थी, जो कि हेलोविन इवेंट में आया था 2017 या 2018 के करीब। ठीक है, यूनिक थिंग्स नंबर टू, गाइस फ्री फायर में उसी हेलोविन इवेंट में यहाँ पे पेड़ पे देख सकते हो यहाँ पे हेलोविन का जो कद्दू वाला रहता था ना वो यहाँ पे टंगा रहता था। और ये पहली बार फ्री फायर में हुआ था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था, क्योंकि फ्री फायर का बरमूडा मैप रंगीन रंगीन सा लगता था। साथ ही साथ यहाँ पे स्केयर क्रो रहता था, ये वाला देख सकते हो जहाँ पे फसल पे लगाते हैं ना क्रो को भगाने के लिए, उसी तरह का यहाँ पे स्केयर क्रो रहता था जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगता था देखने में, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये कई सारे मैप में देखने को मिलता था कई सारे जगहों पर। यूनिक थिंग्स नंबर वन, गाइस ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, हमारे फ्री फायर में अभी के समय एक इमोट आया था ये वाला आप देख सकते हो, और इसकी खासियत ये था कि ये रनिंग में आपको जो है ना इमोट आप कर सकते हो, मतलब आपका कैरेक्टर दौड़ेगा और आप दौड़ दौड़ के इमोट भी दिखा सकते हो। ये वाला मनी वाला आप देख सकते हो रिसेंट ही हमारे गेम में आया था, जो काफ़ी ज़्यादा फनी लगता है देखने में, अगर आपको कोई मारना चाहता हो तो आप उस पर पैसे उड़ा सकते हो, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है ये चीज़ फ्री फायर को। इस तरह का इमोट, इस तरह का चीज़ें, इस तरह का जो भी चीज़ आती है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो आपके पास अगर करेक्टर है तो उसको इस तरह करके पैसे आप उड़ा सकते हो और उसको दे सकते हो। साथ ही साथ अभी के समय एक इस तरह का घोस्ट वाला इमोट आया हुआ है, ये भी आप रनिंग में कर सकते हो, जहाँ पे घोस्ट का आवाज़ निकलता है और यहाँ पे आप रनिंग करके जहाँ जितना दूर तक चाहो ना उतना दूर तक जा सकते हो, ऐसा ऐसा यहाँ पे यूनिक थिंग्स आया हुआ है फ्री फायर में। ठीक है, तो गाइस ये था फ्री फायर का 17 सबसे यूनिक थिंग्स। इन सारे यूनिक थिंग्स में आपको सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा कौन सा लगा और कौन कौन सा आप खेले हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए, इसी तरह का वीडियो चाहिए यार, तो सब्सक्राइब कर देना, आपको पता है कि इस चैनल पर ऐसे मजेदार कंटेंट देखने को मिलता है जो अभी के समय आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको मैं इस तरह का ओल्ड कंटेंट ओल्ड चीज हमेशा आपको देता रहूंगा। ठीक है, और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और सेकंड चैनल पे मैं काफी सारा वीडियो डालने लगा हूँ, वहां पर भी अच्छा अच्छा कंटेंट देने लगा हूँ, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।